निकोलस टूकी का इन 1917. तो अब अगर इसकी सरकार गिर गई है तो टेल टेलमी के एक रीजन के वजह से गिरी होगी ऑब्वियसली बहुत सारे रीजन से, जिसके वजह से एक ऑटोक्रेटिक पावरफुल रूलर या नॉट सो पावरफुल भी अगर होगा मगर सरकार गिरना इतना ईजी चीज़ नहीं होती तो लेटेस्ट लोक की कौन से ऐसे रीजन्स थे कौन से ऐसे सोशल इकनॉमिकल एंड पॉलिटिकल रीजन्स थे जिसके वजह से वंदे की सरकार गिर गई सबसे पहले हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारे सोशल रीजन अभी जब हम सार निकोलस टू को देखते हैं और सोसाइटी को देखते हैं ओके okay? तो सबसे पहला जो काम हुआ था वो था डिफीट ऑफ रशिया इन वर्ल्ड वॉर वन यू नो अ वॉर इज फॉर सो मेनी पीपल लॉस दाइव एंड इन रशिया एस्पेश बिलियंस ऑफ पीपल लॉस दाइव फाइटिंग द वॉर

अब जैसे कि हमें पता है कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पीक इन रशिया मगर क्या हुआ कि जो भी एबल बॉडीड मैन थे यू you नो know, जो भी स्ट्रॉन्ग मैन थे उन सबको भेज दिया गया वॉर फाइट करने के लिए अब अगर काम करने वाले लोग वॉर फाइट करने जाएंगे तो फैक्ट्री में कौन काम करेगा देर वॉज लेबर शॉर्टेज और जब लेबर शॉर्टेज हुई तो क्या हो गया फैक्ट्री चलाने के लिए कोई नहीं बचा तो क्या हो गया फैक्ट्रीज बंद हो गई अब फैक्ट्रीज बंद हो जाएगी तो क्या होगा उससे जो पैसा आ रहा है वो भी बंद हो जाएगा इकोनॉमिक लॉस तो बड़ा हो गया आपका प्रोडक्शन भी बंद हो रहा है आपका ट्रेड भी बंद हो रहा है आपका बिजनेस भी बंद हो रहा है आपका इम्पोर्ट एक्सपोर्ट भी बंद हो रहा है आपकी इनकम भी बंद हो रही है और फैक्ट्री बंद होने से कितने सारे लोग जो हैं दे बिकेम जॉबलेस दे हैड नथिंग टू इट अब इसके साथ साथ और क्या हुआ

कि नहीं भाई हमारे लिए जो वॉर फाइट करेगा पहले हम उसको खाना देंगे बाद में जनता का देखेंगे ये तो गलत बात हो गई नहीं यार ये जनता भी तो मेहनत करके ही हमारी ये लोग भूखे थोड़ ना मरेंगे अब इकोनॉमिकली भी देखो ना हमारे पास फैक्ट्रीज चल रही हैं ना हमारे पास खाने पीने के लिए बच रहा है नॉट ओनली दैट नाउ टू दान लूजिंग वॉर्स और आपको पता तो है जैसे इंसान हारना शुरू करते हैं लोग बोलते हैं ये तो भाई इन इंसान है ये तो कोई काम का इंसान नहीं है

it always thought about its own self yes or no not only that, there was high level corruption from top to bottom ab jab aap mujhe batao itni sari cheeze ho jayengi ki bureaucracy bhi hum hamare oppressive policies bhi aa gayi हमारी bureaucracy भी गड़बड़ है इतना ज़्यादा उन लोगों को power दे दिया है बहुत ज़्यादा rights दे दिए है इतना सारा corruption है और उसी बीच में क्या हो रहा है कि हमारा जो किंग है वो बेचारा कुछ समान नहीं पा रहा बेचारा वीक हो गया है ऑटोक्रेटिक भी उसको किसी का सुनना ही नहीं है ही बिलीव इन द डिवाइन राइट्स ऑफ द किंग बोले मैं इस धरती पर भगवान का दूत हूं मगर भगवान जैसा तो आप कुछ काम ही नहीं कर रहे अब भगवान जैसा अगर आप कुछ काम नहीं करोगे तो ऑब्वियसली आप गिरोगे जरूर एंड दैट वॉज द रीजन वाई दार ऑटोक्रेसिकल इन नाइनटीन सेवनटीन सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द क्वेश्चन as well as the answer.